अस्सलाम वालेकुम। आज हम अफ़गानी एग करी बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी बनती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होता है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे और इसके लिए दो बड़ी साइज़ की ऑनियन रफली हमने चॉप कर लिया है, चार हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन की 4 से 5 कली और काजू 10 से 12, धनिया पत्ती, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें और इसका अच्छा पेस्ट बना लें। अब एक पैन में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर रख कर पकाना है। 5 मिनट तक इसे पकाना है और फिर इसे लो फ्लेम पर रख के 5 मिनट पका लें। अब एक साइड हम 3 टेबल स्पून दही और 2 टेबल स्पून मलाई को ग्राइंड कर लेंगे और इसका अच्छा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसको भी इस मसाले में ऐड करेंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें हाई फ्लेम पर रखकर। और इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे लीड लगाकर 10 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। अब इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करें, ये ऑप्शनल है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। आप ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से ही पानी ऐड करें। अब इसको हमने एक बॉईल आने तक का पका लिया है और इसमें बॉईल एग को सेंटर से कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए लीड लगाकर पका लेंगे। ये देखिए हमारी अफ़गानी एग करी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे तंदूरी नान या रोटी से सर्व करें और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। ऑल लेटेस्ट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने मिले। ये बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफिज़।